नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने बाह्य प्रयत्न लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमने कल प्रयत्न के बारे में पढ़ा था, आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न पांच प्रकार के, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं, स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, विव्रतम, ईषद विव्रतम और संवृतम। आज हम बाह्य प्रयत्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, बाह्य प्रयत्न किसे कहेंगे? मुख के बाहर, मुख से वाणी निकलते समय होने वाला जो प्रयत्न है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आंतरिक प्रयत्न मुख के अंदर होता है, जिसे केवल वक्ता अनुभव कर सकता है, लेकिन बाह्य प्रयत्न मुख से वाणी निकलते समय बाहर जो श्रोता है वह भी अनुभव कर सकता है। वस्तुतः बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं मित्रों, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम संक्षेप में इनकी परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहला है मित्रों विवाह। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का खुलना विवाह कहलाता है। संवार, मुख का विकास नहीं होना संवार कहलाता है। श्वास, वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास का चलना श्वास प्रयत्न कहलाता है। नाद, वर्णों का उच्चारण करते वक्त गंभीर ध्वनि निकलना नाद कहलाती है, नाद प्रयत्न होता है। घोष, ध्वनि का गूंजना घोष प्रयत्न है। अघोष, नहीं गूंजना अघोष प्रयत्न है। अल्पप्राण, वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु का प्रयोग होना अल्पप्राण कहलाता है और अधिक वायु का प्रयोग होना महाप्राण कहलाता है। उद्दात, कंठ, तालु इत्यादि जो हमने उच्चारण स्थान पढ़े हैं उनके ऊपर वाले भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है उनके उद्दात संज्ञा होती है, उन्हें उद्दात कहा जाता है। अनुदात, नीचे भाग से बोले जाने वाले अनुदात प्रयत्न कहलाता है। और स्वरित, दोनों के बीच का जिसका समान रूप से इनका उच्चारण किया जाता है स्वरित प्रयत्न कहलाता है। आइए अब हम किस वर्ण को का प्रयत्न विवर है, किस प्रयत्न का संवार है, किस प्रकार का किसका श्वास है, इनके बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः बाएं जो प्रयत्न है वो 11 प्रकार का होता है। पहला विवार, दूसरा संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात, स्वरित। अब हम इनके उदाहरणों के बारे में जान लेते हैं। चलिए मित्रों हम इनके उदाहरण समझ लेते हैं। विवार, श्वास, अघोष, जैसा कि हमने परिभाषा पहले इनकी जान ली है। खर जो प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श, स, स, ये आते हैं। यहाँ पर मैंने एक और दो लिखा हुआ है, जैसा कि हमने वर्णमाला में 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में पढ़ा है। प्रत्येक वर्ग का, एक का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दो का मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। इसके साथ श, श, स, प्रत्येक इनका प्रयत्न जो है विवार भी है, श्वास भी है और अघोष भी है। मित्रों, 1, 2 का मतलब क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। अगला है मित्रों संवार, नाद, घोष, जिनके उच्चारण करने में मुख पूर्णतया खुलता भी नहीं है, ध्वनि गंभीर ध्वनि भी निकलती है और गूंजती भी है। तो ये प्रत्येक वर्ग का मित्रों तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ग, घ, ग, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। वर्ग का तीसरा, छोटा और पांचवा वर्ण य, र, ल, व और एक उसमें वर्ण ह। इस प्रकार से कुल 20 वर्ण जिनको सामूहिक रूप से हस कहा जाता है, इनका जो प्रयत्न है संवार, नाद और घोष है। अरे मित्रों अल्प प्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम वायु का प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके साथ साथ अंतस्थ जो वर्ण है य, व, र, ल, इनका जो प्रयत्न है वह अल्प प्राण प्रयत्न है। इसके बाद महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और उसमें वर्ण श, श, स, ह। ये तो कुल 14 होते हैं, 14 हैं। इनका जो प्रयत्न है वो महाप्राण प्रयत्न है। महाप्राण का मतलब वायु का
अधिक निकलना। अगला मित्रों उद्दात, अनुद्दात और स्वरित, इनके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। ये तीनों स्वर हैं, ये स्वर के प्रयत्न हैं, ये कुल नौ है। अच अ ए ओ री ली, अच का मतलब होता है मित्रों अ ए ओ री ली ए आई ओ औ। ये अच जो है, इन अच का जो प्रयत्न है, उद्दात प्रयत्न भी होता है, अनुद्दात भी होता है और स्वरित भी होता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल के वीडियो में हम पुनः नई चीज लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।